नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के जन्म दिवस पर आज जिला प्रवक्ता सिकंदर गहली ने सिटी मैरिज प्लेस नारनौल में लगाया रक्तदान शिविर। पिछले तकरीबन 15 वर्षों से लगातार सिकंदर गहली अजय चौटाला के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिविर में दोपहर तक तकरीबन 200 यूनिट रक्तदान किया जा चुका था। नारनौल सामान्य अस्पताल के अलावा फरीदाबाद से भी रक्त लेने के लिए टीम पहुंची। जिला प्रवक्ता ने बताया फरीदाबाद के अंदर जो तकरीबन 170 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं और जिनका हर 15 दिनों में रक्त बदलना आवश्यक होता है, उनके लिए भी उन्होंने रक्त की व्यवस्था की है। सिकंदर गहली ने बताया कि जब भी इन बच्चों को रक्त की जरूरत होगी, हम हमेशा तैयार हैं और समय समय पर इन बच्चों के लिए रक्त की व्यवस्था करते रहेंगे। देखिए, जो सेवा होती है, सेवा से बड़ा तो कोई काम होता ही नहीं है। जब इनसे मैं मिला और इन्होंने बताया कि इस प्रकार से ब्लड कैंप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की, ऐसी टीम की, पूरी जो इनकी टीम है, ऐसे लोगों को जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी सम्मानित करवाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इनको नाम को हम महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे, जिससे कि स्टेट लेवल पर ऐसे युवाओं की अगर पहचान बनती है तो अन्य देश भर के युवाओं में भी एक ऐसी क्रांति आती है, ऐसा सामाजिक आंदोलन आता है। मेरा निवेदन है, जन्मदिन हो या कोई अन्य फंक्शन हो, आप ब्लड जरूर डोनेट कीजिए। और जो ही आपका बच्चा 18 साल का होता है, आप तुरंत ब्लड डोनेट कीजिए। मैंने एक युवा को देखा है, उनके पिता ने ब्लड डोनेट किया और वो 18 साल का युवा पहली बार अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। और श्री अजय चौटाला जी के लिए ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि युवा जो हैं रक्तदान के लिए तो आगे आ रहे हैं, लेकिन सामाजिक सेवाओं के लिए भी वो कहीं पीछे नहीं है। तो सभी बधाई के पात्र हैं और हमारा प्रयास होगा कैसे युवाओं को समाज में आगे लाकर उनको हम और आगे बढ़ाएं, ताकि समाज उनको जाने, समाज उनके लिए काम करे। इस रक्तदान शिविर की एक खास विशेषता ये है कि ये जो ब्लड जा रहा है, ये थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं, फरीदाबाद में लगभग 170 ऐसे बच्चे हैं जिनको हर 10 दिन में 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। अगर थैलीसीमिया के बच्चों को ब्लड नहीं मिलेगा तो उनका जीवन खतरे में आ सकता है। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर, उन 170 बच्चों की जिम्मेदारी आज श्री अजय चौटाला जी के जन्मदिन पर ये पूरी टीम ने ली है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा लगभग 100 यूनिट जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है उसको जाएगा। आने वाले समय में भी आप थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है आपका दिया हुआ रक्त ही उनके जीवन को बचा सकता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जिला प्रशासन, रेडक्रॉस सोसाइटी आभार व्यक्त करती है कि इन्होंने यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर फरीदाबाद जिले की भी जिम्मेदारी ली और अपने महेंद्रगढ़ जिले की भी जिम्मेदारी ली। जय हिंद। आज आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 61वां जन्मदिवस नारनौल सिटी मैरिज प्लेस में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 61 केजी का केक काटा गया और सभी साथियों ने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की दीर्घायु की कामना की। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति हर साल में 4 बार ब्लड, हर 3 महीने में 1 बार ब्लड दे सकता है। इससे कोई ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं होता। ब्लड बैंक नारनौल की टीम है और एक फरीदाबाद की टीम है, जहाँ थैलेसीमिया एक बीमारी होती है उसके जो बच्चे हैं उनके लिए हम वहाँ रक्त एकत्रित करके वहाँ भेज रहे हैं। उनको हर हफ्ते में या 15 दिन में उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, वहाँ निःशुल्क ब्लड चढ़ाया जाता है उनको। अगर उनको ब्लड नहीं मिले तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस कैंप की सबसे बड़ी विशेषता यही है। और आप देखो कितनी भारी भीड़ है, सुबह से यहाँ लोगों की भीड़ जमी हुई है और युवाओं में बहुत भारी उत्साह है। सिकंदर गहली जी, हर साल हम तमाम साथियों को इकट्ठा करके ये त्यौहार मनाने का काम करते हैं। मैं उनको अपनी तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से, जिला महेंद्रगढ़ की तमाम जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं कि वो हम सभी साथियों को प्रेरित कर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म महोत्सव मनाने का जो प्रयास करते हैं, हम उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं। कहाँ से है भाई साहब आप? मखसूसपुर गांव से। मखसूसपुर से जी। तो इससे पहले भी आपने भाग लिया था या इस बार ही भाग ले रहे हैं? पिछली बार लिया था, उससे पिछली बार भी लिया था डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पे ही। जी, तो हर साल आप इसमें भाग ले रहे हैं? हाँ, आई बार डॉक्टर साहब के जन्मदिन पे। किसी प्रकार की कोई परेशानी आप फील कर रहे हैं? जी कोई परेशानी नहीं, बस सब अच्छा लग रहा है, बड़ा महसूस, बढ़िया, अंदर से भी अच्छा महसूस हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन करके कैसा फील करते हो आप? बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, धर्म का काम है। चलिए, धन्यवाद सर। रक्तदान करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो
अभी तक कौन सी बार रक्तदान कर रहे हैं आप? मैं तीसरी बार रक्तदान कर रहा हूँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं तीसरी बार रक्तदान कर रहा हूँ जी। तो पार्टी में भी आपके पास कोई जिम्मेदारी है? पार्टी ने मुझे इनसो का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया हुआ है जो मेरे को जिम्मेदारी दी हुई है जी। पार्टी की जिम्मेदारी के साथ साथ आप समाज सेवा की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ पर भी हमारे को कोई जरूरत होती है तो हम समाज सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अच्छी बात है। पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास तो BA करी है, जैसे कंपटीशन की तैयारी हो रही है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं हो? सामाजिक कार्य करके कितनी खुशी हो रही है आपको? सामाजिक कार्य करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप